नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। थपकी ने छोड़ा घर तो बेचैन हुआ पूरब, घर से निकल पड़ा उसे ढूंढने। जैसे ही दिखी उसकी छोटी सी चुन्नी फटी, वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गया। थपकी को इधर उधर देखता नजर आया और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता नजर आया, थपकी थपकी कहाँ चली गई हो तुम, और तुम मुझे बिना बताए कैसे जा सकती हो। पहले आपको बता दें कि थपकी बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई है। थपकी को ऐसा लगता है कि पूरब उसे प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रति उसकी सिंपैथी है। और वो इस वजह से है क्योंकि जो थपकी की माँ है उसको वादा कर रखा है पूरब ने कि वो उसे अपने घर लेकर आएगा। और ये सारी बातें थपकी मन ही मन सोचती है, वो पुरानी बातें सोचती है कि किस सिचुएशन में दोनों की शादी हुई थी। और इसके बाद जब थपकी जो है वो उसके घर चली जाती है, यानी कि जब वीणा देवी थपकी को घर से बाहर निकाल देती हैं और वापस उसके घर चली जाती है, यानी कि थपकी अपने घर चली जाती है, तो उस वक्त पूरब आता है और वो पूछती है पूरब से कि आप क्यों आए हो यहाँ पर। जिसके बाद पूरब कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो इसलिए। ये सारी बातें जो है उसके दिमाग में चल होती है और कहीं ना कहीं से उसे ये महसूस होता है कि पूरब उसे प्यार नहीं करता। और इस बात को कई बार हंसिका ने प्रूव भी कर दिया है और कई बातों से उसे लगता भी है। ऐसे में वो डिसाइड करती है कि अब वो घर छोड़ेगी और बिना बताए पूरब को घर छोड़ देती है। इवन वो किसी को भी नहीं बताती है और चुपचाप घर से निकल जाती है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बैठी हुई है और फिर यहाँ से जब उठती है तो उसके दुपट्टे का एक टुकड़ा जो है वो यहीं पर फट के यहीं पर नज़र आता है। और फिर यहाँ पर पूरब इधर उधर गाड़ी से रहा होता है लेकिन उसे थपकी कहीं नज़र नहीं आती। वो थक हार कर बैठ जाता है कि तभी थपकी जो है दिखाया जाता है कि थपकी निकल रही है और अचानक से उसके सामने एक ऑटो आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे थपकी का एक्सीडेंट हुआ है। और तभी अचानक पूरब की निगाह जो है वो इस कपड़े पर पड़ती है, यानी कि जो थपकी की चुन्नी है उस पर पड़ती है। और ये देख कर और भी ज़्यादा बेचैन हो जाता है पूरब। तो यकीनन आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है, अगर हो सकता है कि थपकी के साथ कोई हादसा हो, तो जाहिर तौर पर पूरब अपने दिल की बात पक्की तौर पर बोलने वाला है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि पूरब जो है वो थपकी को प्यार करने लगा है। और वो ये बात कह भी चुका है कि ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जब आपकी चीज़ें बदल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं से जो इक्वेशन है थपकी और पूरब के बीच वो बदल चुकी हैं। पूरब भी थपकी को प्यार करने लगा है, लेकिन थपकी को अभी इस बात का एहसास नहीं कि पूरब भी उसे प्यार करता है। लेकिन लगता है कोई थपकी के साथ हादसा होगा जिसके बाद पूरब अपने दिल की बात थपकी से कहने वाला है। फिलहाल देखना काफ़ी दिलचस्प होगा थपकी में क्या होगा और कैसे होगा। इस वीडियो में बस इतना ही।